कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार को बेदखल करने के लिए विपक्षी एकता के पक्षधर हैं और आपस में मिल बैठ के जितने भी मुद्दे हैं उनका समाधान करके प्रधानमंत्री जी को अब विभिन्न स्रोतों से ये आश्वस्त है, अच्छी तरह से जानकारी है कि अब अगली बार 2024 में वो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। तो हार को देखते हुए प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, कोई इस तरह का बयान उस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए अभी इलेक्शन दूर है 2024 का और भारतीय राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का आपसी समझौता है। सभी दोनों दल विपक्षी एकता के पक्षधर हैं। पटना में जो सम्मेलन हुआ था, बैठक हुई थी, उसमें अखिलेश यादव जी ने भाग लिया था, जयंत चौधरी जी को भी जाना था लेकिन वो विदेश में थे, उस कारण वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये स्पष्ट है कि भारत राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का आपसी समझौता होने के कारण और आपस में वो कितनी सीटें बांटेंगे आपस में, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है और वो अपना मिल बैठ के सॉर्ट आउट अवश्य करेंगे। और बाकी बाहर से कोई इसके ऊपर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। इसी में सर, जिस तरह से भी देखिए, इसमें विपक्षी एकता की बात नहीं है। विपक्षी एकता के पक्षधर हैं अखिलेश यादव जी भी, जयंत चौधरी जी, और पटना की जैसे बैठक हुई थी उसमें अखिलेश यादव जी मौजूद थे। जयंत चौधरी जी क्योंकि विदेश में थे इसलिए वो वहाँ नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन दोनों का स्पष्ट कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, वो बेदखल करने के लिए विपक्षी एकता के पक्षधर हैं और आपस में मिल बैठ के जितने भी मुद्दे हैं उनका समाधान करके और विपक्ष एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेगा। और इसीलिए अब अगली बैठक बेंगलुरु में हो रही है और इसके अच्छे परिणाम हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को अब विभिन्न स्रोतों से ये आश्वस्त हैं, अच्छी तरह से जानकारी है कि अब अगली बार 2024 में वो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं और जो विपक्षी एकता का प्रयास चल रहा है वो उनकी सरकार बनेगी। जो हार को देखते हुए प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, कोई इस तरह का बयान उस तरह का बयान दे रहे हैं, वो मैं समझता हूं कि चुनाव से पहले दौर में इस तरह का होता ही रहेगा। इसके साथ ही सर, मणिपुर दंगों को लेकर के राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने कहा है कि मणिपुर दंगे कांग्रेस की नीतिगत भूल का परिणाम है। देखिए, जो एनडीए सरकार में राज्य मंत्री का ये दावा मणिपुर का दंगा कांग्रेस की नीतियों के कारण है, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की बातें करते हैं। जब इनसे दंगा का समाधान नहीं कर पाए, गृह मंत्री जी जरूर गए लेकिन जो वहाँ की विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने मांग की, कई बार मांग की कि प्रधानमंत्री जी हमसे वार्ता करें। प्रधानमंत्री जी को वहाँ जाने के बजाय वो कभी राजस्थान दौड़ते हैं, कभी मध्य प्रदेश दौड़ते हैं, कभी छत्तीसगढ़ दौड़ते हैं, लेकिन मणिपुर के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। जो भी कमियां हैं जो गवर्नेंस में, वो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के दिन गिने चुने हैं और आगे उनकी सरकार आने वाली भी नहीं है।
हूँ।